जय माँ शेरा वाली, पहाड़ा वाली, जोता वाली माँ अम्बे दुर्गा जी की जय हो, जय हो, जय हो। माँ के भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज शुक्रवार है, यानी कि माता का वार है। माँ लक्ष्मी को समर्पित है ये दिन, माँ संतोषी को समर्पित है ये दिन, आदि शक्ति को समर्पित अर्पित है ये दिन। इस दिन यदि आप आज हमारे द्वारा बनाए गए टोटकों को माँ की कृपा से श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो माता रानी की कृपा दृष्टि आप पर निश्चित रूप से होगी। आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से अगर जूझ रहे हैं तो आपको बहुत ही जल्द मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, माँ लक्ष्मी को समर्पित है आज का दिन, शुक्रवार का दिन। माँ लक्ष्मी जी इतनी प्यारी माता है कि वो 56 भोग से नहीं प्रसन्न होती है, बल्कि भक्तों की श्रद्धा व भक्ति से ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। बहुत सारी आसान सी विधियां हैं जिनसे माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु जी की पत्नी माँ लक्ष्मी यदि आपसे प्रसन्न हो जाती है तो आपका उद्धार हो जाएगा साथियों। लेकिन इस उद्धार के लिए आपको किसी बड़े बड़े अनुष्ठान को नहीं करना होगा। कोई भी रुके कार्य आपके पूरे हो सकते हैं अगर आज हमारे द्वारा बताई गई विधियों को आप श्रद्धा पूर्वक करते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धार्मिक शास्त्रों में लिखे गए ये कारगर उपाय व असीम टोटके मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। लेकिन उससे पहले एक ही गुजारिश कि हमारा ये चैनल धर्म पुराण धर्म के लिए ही खोला गया है, आप सब मित्रों के लिए खोला गया है, समाज सेवा के लिए मानव कल्याण की दृष्टि से खोला गया है। इसमें आपका सहयोग हमें चाहिए और सहयोग में केवल इतना ही चाहिए कि फ्री की ये जो सलाह, ये कामगार टोटके हम आपके लिए रोज रोज लेकर के आते हैं, इसके लिए हम केवल आपसे आपका समर्थन चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, जो कि केवल एक सब्सक्राइब के रूप में आपसे हमें मिल सकता है। मित्रों, हमारे वीडियो को देख करके लाइक किए बिना ना जाइएगा, और वीडियो को अगर आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने ज्यादा आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिजन इन टोटकों का लाभ लेते हैं, उतने ही पुण्य की आपको प्राप्ति होगी। मित्रों, तो सुनिए, बिना देरी किए बताना चाहूंगा कि पहला टोटका क्या है। मित्रों, इसके लिए आपको गोमती चक्र घर में लाना होगा। जी हां साथियों, गोमती चक्र जो कि बड़ा ही अद्भुत सा यंत्र है, घर के सभी सदस्यों के ऊपर से गोमती चक्र को आपको उतारना होगा। फिर उसके बाद इस गोमती चक्र को आपको गंगा जी में उतार देना होगा, यानी कि बहा देना होगा। समझ लीजिएगा कि कोई भी बीमारी हो, नकारात्मकता हो, दूर हो जाएगी। आपके घर में अगर धन की रुकावट हो रही है तो जल्दी ऐसे रास्ते खुलेंगे जिससे आपके घर में धन की आवक बढ़ जाएगी। मित्रों, किसी भी दुश्मन ने आपको अपने तंत्र मंत्र या यंत्र से बांध दिया है तो समझ लीजिएगा कि गोमती चक्र के द्वारा श्रद्धा पूर्वक किया गया टोटका आपको उस तंत्र मंत्र यंत्र से बहुत ही जल्द मुक्ति दिला देगा। आपके घर में धन वैभव सुख संपत्ति आ जाएगी, कलह समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, दूसरा टोटका बताना चाहूंगा जो कि और भी कारगर है। मित्रों, इस टोटके में आपको दान पुण्य के माध्यम से अपने सर पे आ रही किसी भी विपत्ति को दूर करना होगा। यदि आप किसी भी शादीशुदा बूढ़ी महिला को इस दिन, आज के दिन, शुक्रवार के पावन दिन, कुमकुम, बिंदी, लाल चूड़ी, श्रृंगार का सामान दे देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो महिला शादीशुदा होनी चाहिए, तो आपको जो दुआएं देगी, आप अपने मन में जो आपके लिए सोचेगी, वही भावना समझ लीजिएगा कि माँ लक्ष्मी आपके लिए अपने मन में सोच रही है। तो दान के द्वारा किया गया ये टोटका आपके जीवन में हर प्रकार की खुशी लेकर आएगा। साथ ही उसके अलावा तीसरा टोटका बताना चाहेंगे जो कि बहुत ही गुणकारी व मंगलकारी है। इसके लिए आपको पीली हल्दी लेनी होगी। मित्रों, फिर से बताना चाहेंगे कि पीली हल्दी श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है, और जैसा कि सभी लोग, आप, हम व समस्त ब्रह्मांड जानता है कि विष्णु प्रिया है, माँ लक्ष्मी यानी कि विष्णु जी की परम प्रिय पत्नी है। और अगर आपने पीले रंग की हल्दी के साथ इस टोटके को श्रद्धा पूर्वक किया तो विष्णु जी तो आपके घर में निवास करेंगे ही, माँ लक्ष्मी भी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेंगी। मित्रों, बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको पीली हल्दी लेनी होगी, लेकिन याद रखिएगा कि ये पीली हल्दी जो है, इसमें 3 गांठ अगर लगी हुई है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। यानी कि इस पीली हल्दी को आरती की तरह माता लक्ष्मी की मूर्ति के आगे 3 बार घुमाइए। इसके पश्चात इस हल्दी को रख दीजिए पूजा के स्थान पर, और अगर आप इसके अलावा माता लक्ष्मी का सूक्ष्म रूप मानकर भविष्य में उस पीली हल्दी की पूजा करते हैं पूजा के स्थान में रखने के बाद, तो समझ लीजिएगा कि माता लक्ष्मी इससे अति प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। साथियों, आशा करते हैं कि धर्म पुराण के द्वारा ये जो टोटके आपको रोज बताए जा रहे हैं, इनका आप अगर उपयोग करेंगे श्रद्धा से, भक्ति से व स्वच्छ मन से, तो माता की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर निश्चित रूप से होगी। आप किसी परेशानी से दूर हो जाएंगे। लेकिन सहयोग के तौर पर अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी भी दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए।
वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथियों धन्यवाद।